Hello and welcome to CompuHelp. Write a program to print the following pattern. इसमें ये जो pattern दिया गया है जैसे 3 है पहले और फिर दो बार 2 है और फिर 111. ये वाला जो pattern है आपको print करवाना है using nested for loop. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये for loop का जो pattern है nested for loop का जो pattern है आपको आपके सामने दिया गया है. तो ऐसा अब हम क्या करेंगे जिससे हमारी ये वाली आउटपुट आ जाएगी 3221. तो अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लिख दें printf परसेंटेज डी कॉमा आई, तो अगर इसको चलाएंगे अगर हम तो यहाँ पे आ रहा है 111, 222 और 333. जबकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पे पहले 3 है फिर 222 फिर 111. तो अगर मैं यहाँ पर जो है i की वैल्यू जो कर दूँ यहाँ पे 3 से स्टार्ट करूँ और i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूँ 1 और यहाँ पे कर दूँ i माइनस माइनस. तो अगर हम चलाएंगे यहाँ पर इसको तो यहाँ पे आ रहा है 333, 222 और 111. अगर यहाँ से मैच करें तो बस थोड़ा सा ये रह रहा है कि यहाँ पे 3 बार 3 है, यहाँ पे 222 है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पर जो है 111 वही सेम है. तो मतलब वेरिएबल जो है वो तो यही आएगा सेम आए, पर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है कि जो पहले वाला जो लूप है वो 1 बार चले फिर 2 बार चले फिर 3 बार चले, ये जे वाली लूप. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया, ये करने के बाद जब इसको चलाएंगे तो ये फिर से वही सेम आउटपुट आ रही है. अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आई कर दिया, उसको चलाया तो ये आ रहा है 333221. पर हमें ये वाली जो आउटपुट है ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये 322 फिर 111. तो 3 तो इसकी वजह से ही आएगा, पर यहाँ पर हमें ये लूप जो है इसमें क्या हो गया कि ये लूप पहले 3 बार चल रही है जबकि हमें पहले वो 1 बार चलती हुई दिखनी चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, जे को कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आई और यहाँ पर कर देंगे जे माइनस माइनस. अगर ये किया और इसको चलाया तो यहाँ पर आ गया 322 और 111. अब देखते हैं कि क्या यही आउटपुट चाहिए आपको. हाँ, 3 पहले 3 है फिर 222 है और फिर 111 है, तो यही आउटपुट हमें चाहिए. अब इसमें हुआ क्या कि जो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो i है, i की वैल्यू कितनी होगी, 3, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है, ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा. और j की वैल्यू कितनी होगी, 3, 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, i में कितना पड़ा, 3 पड़ा है, तो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो 3 इज़ इक्वल 3, ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा. आई में कितना पड़ा है, 3 पड़ा है, आई में 3 पड़ा है तो जो है वो 3 प्रिंट हो गया. फिर जे माइनस माइनस हुआ, जे की वैल्यू होगी 2, आई में 3 पड़ा है तो 3 जो है क्या वो 2 से बड़ा है, नहीं नहीं है, तो कंट्रोल जो है वो बाहर आ गया, बाहर आ गया प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, कर्सर जो है वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गया. फिर किया आई माइनस माइनस, जब उसने आई माइनस माइनस किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई माइनस माइनस किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2. फिर यहाँ पे किया 2 जो है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आ गया. जे की वैल्यू कितनी होगी, 3, 3 जो है और आई में 2 पड़ा है तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, बड़ा है तो अंदर आ गया, यहाँ पे अंदर आ गया. तो यहाँ पे जो आई में वैल्यू पड़ी हुई है 2 वो प्रिंट हो गया. फिर जे माइनस माइनस किया तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 थी 2 हो गई, 2 जो है वो आई में कितना पड़ा है, 2 पड़ा है तो 2 जो है वो 2 के बराबर है, बराबर है तो फिर अंदर आया और आई में 2 पड़ा है तो यहाँ पर 2 प्रिंट फिर से हो गया. जे माइनस माइनस किया, जे की वैल्यू होगी 1, तो जे 1 है, आई में 2 पड़ा है तो क्या 1 जो है वो 2 से बड़ा है, नहीं है, क्या उसके इक्वल है, नहीं है, तो कंट्रोल फॉल्स होके इस लूप से बाहर आया, बैक स्लैश एन यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गया. फिर आई माइनस माइनस किया तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे वो 1 इज़ इक्वल टू 1, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है तो 1 इज़ इक्वल टू 1, ट्रू है, कंट्रोल अंदर आया.
तो j की वैल्यू कितनी होगी, फिर से 3 होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे i में कितना पड़ा है 1, तो j में 3 पड़ा है, 3 जो है 1 से बड़ा है, बड़ा है, तो अंदर आया i में कितना पड़ा है 1 पड़ा है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर j माइनस माइनस किया, j की वैल्यू होगी 2, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है नहीं, तो अंदर आया प्रिंट है प्रिंटेड i, i में कितना पड़ा है 1 पड़ा है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर j माइनस माइनस किया, j की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 जो है वो 1 के इक्वल है, ट्रू है, अंदर आया प्रिंट है प्रसन्निटी i, i में कितना पड़ा 1 पड़ा, वो 1 फिर से प्रिंट हो गया। फिर j माइनस माइनस किया, j की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो 0 होने के बाद जो है j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्योंकि i में 1 पड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद कंट्रोल सीधा बाहर आया, प्रिंट एफ बैक लेसन, कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया नेक्स्ट लाइन पर, और फिर i माइनस माइनस किया, ये भी 0 हो गया, तो 0 जो है 1 से बड़ा नहीं है, तो इस तरह से ये कंट्रोल फॉल्स होकर सीधा बाहर आ गया फॉर लूप से, और ये आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 2 2 1 1 1 ये जो आउटपुट आपको चाहिए थी, इस तरह से आप लेके आ सकते हैं। थैंक्स, वाई कॉम्प्यू हेल्प।